हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ जो इस तरह की वर्कदार आपकी जो कुर्ती होती है आपको इसे कैसे कट करना है, जिसमें इस तरह सा वर्कदार नेक बना हुआ होता है। तो आज मैं आपको बहुत ही डिटेल में वीडियो बताने जा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो देखिए, ये जो हमारा नेक है, इसकी जो हमारी नेक लाइन है, इसको हमें ऐसे मिला के रखना है ताकि ये जो नेक है हमारा, ये हमारा बीच सेंटर में रहे। अगर ये हमारा साइड में हो जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हमें इसको ना बिल्कुल बीच में रखना है, यानी बिल्कुल सेंटर में हमारा नेक आना चाहिए। तो आपको इस तरह से इसकी कटिंग करनी है, इसकी जो नेक लाइन है उसको दूसरी वाली नेक लाइन पे बिल्कुल मिला के आपको फोल्ड करना है। तो हमने डबल फोल्ड में, देखिए, इस तरह से नेक लाइन को मिलाकर जो है डबल फोल्ड में कपड़ा किया हुआ है। अब हम इसमें हम अपनी कुर्ती की नाप डालेंगे। तो जो मेरी कुर्ती की नाप है वो 32 साइज़ की नाप है, बाकी आपकी जितनी नाप हो आप उस हिसाब से नाप को डालें। तो हमारा तीरा जो है वो है 14, तो हमने उसका हाफ करके रखा हुआ है 7 जो है, तो हमने 7 इंच इसका तीरा रखा है। और हमारा ऊपर से कपड़ा ना थोड़ा सा मतलब सही पे नहीं है, तो हम उसको स्केल से थोड़ा सा जो है बराबर में कर लेंगे। तो हमने इस तरह से स्केल से थोड़ा ऊपर से एक निशान लगा के कपड़े को बराबर कर लिया। इसे हम कट करके निकाल देंगे। अब इस पर हमने 7 इंच का अपना तीरा डाला हुआ, जो को हमारा कंधा यानी मुड्ढा है। और अब हम इसमें 7 इंच जो है, आधा इंच और प्लस करके 7.5 इंच हमने अपना आर्म होल रखा है, और इसमें हमने 1/2 इंच की गुलाई दी है जो है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं, और जो हमारी बैक की गुलाई उसे हमने 1 इंच करके 1/2 इंच और बढ़ा के उसमें डाल दी है। तो इस तरह से हमें, हम देखिए, हम अपनी कुर्ती से नाप लेकर जो है इस कुर्ती की नाप डाल रहे हैं। बाकी आपका जो अपना साइज़ हो आप उस हिसाब से डालिएगा। जैसे हमारा तीरा 14 आया तो हमने उसको 7 रखा हाफ में करके। आपकी शोल्डर से जितना आपका आए आप उतना रखिए। तो हमारे अब हमने चेस्ट का नाप डाला, चेस्ट हमारा जो है 7.5 है। और हमने ये चौक का चाक जो होती है हमारी जो नीचे से, तो हमने वो 13 पे रखी है, और उसका हाफ करके हमने बीच में पेट का निशान डाला है। तो इस तरह से हमने निशान डाले हैं सारे। तो आप देख रहे होंगे, आप अपने नाप के अकॉर्डिंग ये सारी नाप डालें बस। और हमारी जो कमर की नाप है वो हमारी नाप है 8 इंच यानी 16। 16 का हमने हाफ करके रखा 8, यानी हमारा 32 पे है। तो 32 का हाफ किया तो हमारा 16 हुआ, और 16 का हमने हाफ किया तो हमारा 8 हुआ। तो इस तरह से हमने, क्योंकि डबल फोल्ड में हमने कपड़ा रखा हुआ है, जब ये खुलेगा हमारा तो ये हमारा 16 आ जाएगा, और बैक वाला पार्ट 16, तो वो मिलके हमारा 32 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये सेफ स्केल है। आपके पास ना हो तो आप ऐसी टेप से भी निशान को मिला सकते हैं। अब हमने दामन की नाप ली है, तो दामन हमारा जो है वो 20 है, तो हमने उसको हाफ में करके रखा, 10 रखा है। इस तरह से हमने स्केल से मिला दिया है। बहुत ही इजी ट्रिक से हमने ये कुर्ती कटिंग की है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। तो ये हमने हाफ जो है 2-2 इंच हमने ये जो है मार्जिन लिया है, दबाव के लिए, दबारी के लिए हमारा कपड़ा है, और इसको भी हमने इसी तरह से निशान कर दिया है। तो चलिए अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने फ्रंट पार्ट को कट कर लिया। अब हमें इसमें बैक पार्ट भी निकालना है। इसका जो कपड़ा होता है वो हमारा सूट में इस तरह से दिया होता है कि हमें सारे कपड़े के जो पल्ले हैं सब अलग अलग निकालने हैं। तो हमने फ्रंट पार्ट पहले निकाल लिया, अब हमने उसी के ऊपर अपना फ्रंट पार्ट रखा है बैक पार्ट को, उतना ही फोल्ड करके, और वैसे ही हम बैक पार्ट को बिल्कुल सेम उसी को रख के कट कर ले रहे हैं। तो आप भी इस तरह से कट कर लें इस ट्रिक्स। अब ये जो हमारा कपड़ा बचेगा इसमें हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो हमने बिल्कुल सेम वही पैटर्न, वही अपना जो है फ्रंट वाला पार्ट रख के बैक पार्ट को भी निकाल लिया है। बस हमने आर्म होल की गुलाई को थोड़ा सा बढ़ा दिया है फ्रंट पार्ट से। अब हमने बैक पार्ट का हम नेक कट कर रहे हैं, तो हमने 2.5 इंच लंबाई भी रखी है इसकी, और 2.5 इंच ऊपर से हमने इसकी नेक विड्थ यानी चौड़ाई भी रखी है। बस एक बॉक्स बना के आपको इसमें 1/2 इंच की गुलाई देके आपको इस तरह से नेक कट कर लेना है। तो हमने इसमें पीछे हमारा सिंपल से, हमें कोई भी डिज़ाइन नहीं इसमें बनाना है, तो हमने बिल्कुल सिंपल से छोटा सा नेक हमने इसमें बनाया हुआ है। तो हमारा बैक और फ्रंट पार्ट कट के रेडी है। चलिए तो अब हम स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो स्लीव्स का क्या मेथड है ये भी हम आपको बताते हैं बहुत ही ईजिली ट्रिक में। तो
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, हमने स्लीव्स के लिए हमने कपड़े को चार फोल्ड में किया है, इस तरह से हमने चार फोल्ड में कर लिया है कपड़े को। नीचे से हमारा कपड़ा बराबर नहीं, तो हमने स्केल से इस तरह से एक बराबर का निशान लेके कपड़े को बराबर कर लिया है। इसे हम कट करके निकाल देंगे तो हमारा कपड़ा बराबर हो जाएगा। अब हम सबसे पहले स्लीव्स की लेंथ यानी लंबाई हमें डालनी है। तो हमने सबसे पहले आस्तीन की लंबाई नापी है, तो हमारी आस्तीन की लंबाई है 15 इंच। तो हम 1 इंच बढ़ा के 16 रखेंगे दबाव मैच करके इसमें। तो हमने 16 इंचेस की लंबाई ली है और ऊपर से भी हमने 16 इंच लंबाई लेके उसको। अब हमें आर्मोल हमने जितना कट किया, तो हमने आर्मोल अपना 7 इंच कट किया था, तो हमने इस तरह से 7 इंच पे एक निशान लगाया और 2 इंच हमने उसी के साइड से निशान डाला, वो हमारा दबाव का, और 3 इंच हमने इसको गिराया है नीचे की तरफ। अब जो 2 इंच हमें ऊपर इधर से सीधा रखना है सामने से, और 3 इंच जो हमने गिराया है इसको हमें इस तरह से एक निशान बना देना है गोलाई देके। अब नीचे से आपकी मोहरी जो हो, आस्तीन की जितनी भी खुली हो, उस हिसाब से आप निशान लगा के उसको स्केल की पट्टी से या फिर टेप से मिला दें। आपकी आस्तीन बहुत ही ईजली एंड बहुत ही परफेक्ट कटिंग होगी। तो इस तरह से देखिए, हमने कट कर लिया, आस्तीन का निशान आप देख रहे हैं कैसे लगा हुआ है। आप इसी तरह से निशान डालें और इस तरह से कट करें, बहुत ही इजी ट्रिक है ये। अब हमने आप एक फ्रंट पार्ट मान लें, तो ये आपका फ्रंट पार्ट हो जाएगा। आप इस पर थोड़ी सी गुलाई आप और दे दें। आपको गुलाई सिर्फ दबाव के कपड़े तक ही देनी है, दबाव वाले कपड़े में आपको गुलाई नहीं देनी, क्योंकि वो तो हमारा अंदर के साइड दब ही जाएगा। तो इस तरह से देखिए, हमारे स्लीव्स बिल्कुल रेडी हैं। तो इस तरह से देखिए, हमारा ये फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट, ये हमारी स्लीव्स हैं। तो हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट। अगर आप इसकी स्टिचिंग भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके ज़रूर देखें।